साथियों सनातन परंपरा में शब्द को ब्रह्म का दर्जा प्राप्त है अर्थात कोई भी शब्द साधारण नहीं है तो जब साधारण शब्द तक को ब्रह्म का दर्जा हमने दिया है तो जो विशिष्ट शब्द हैं आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी घनघोर शक्तियां व्याप्त है सही समय पर सही तरीके से सही प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं उपासना करते हैं तो हम अद्भुत शक्तियां अपनी मनोकामनाएं शांति सब कुछ प्राप्त कर सकता है साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ह्रीम जो बीज मंत्र है उसके बारे में ये जो ह्रीम बीज मंत्र है थोड़ा सा पहले हमने इसके बारे में चर्चा की है कि जब हम बात करते हैं वैदिक उपासना पद्धति की तो वैदिक उपासना पद्धति में ओम का जितना महत्व है उतना ही ह्रीम का महत्व तांत्रोक्त वामाचार इन सब पद्धतियों में दो व्यंजनों ह और रा दो व्यंजन और उसमें फिर बड़ी ई नाम का जो स्वर है और फिर जो बिंदु है बिंदु अर्थात तो दुख का त्राण करने वाला तो हा, रा दोनों व्यंजन हो गए और बड़ी ई की जो मात्रा है जो बड़ा ई है उस स्वर और फिर बिंदु इन सब इन चारों से मिलकर के ये ह्रीम नाम का जो शब्द ब्रह्म है इसका निर्माण हुआ है और यह इतना शक्तिशाली है साथियों कि इसमें सर्व मंत्रमय है इसको कहा गया है सर्व मंत्रमय अर्थात तो जितने भी अन्य मंत्र हैं उन सभी तंत्र मंत्रों की जो शक्ति है वो सम्मिलित रूप से ह्रीम में शामिल है अलग अलग प्रकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन आज हम इसका जो आपको प्रयोग बतला रहे हैं वो चार प्रमुख उद्देश्यों के लिए बतला रहे हैं तो विस्तार में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे लेकिन अगर इस हरीम नाम के चमत्कारिक मंत्र का सवा लाख जाप किया जाता है और कोई मंत्र नहीं केवल सवा लाख जाप यदि आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं स्पिरिचुअल शिखर पर यदि आप जाना चाहते हैं तो श्वेत वर्ण में इसका ध्यान होता है श्वेत वर्ण में ध्यान का मतलब यह है कि आपका जो आसन है वो भी श्वेत रंग का होना चाहिए आपने जो कपड़े धारण किए हैं वो भी श्वेत रंग के होने चाहिए और जिस हरीम शब्द को आप ध्यान में लाएंगे उसका लिखा हुआ वर्ण भी आपके सामने आपके ध्यान केंद्र में सफेद अर्थात श्वेत वर्ण का होना चाहिए और यदि आप आंखें बंद करके कल्पना कर रहे हैं क्योंकि शब्दों के चित्र बनते हैं जब भी हम बातचीत करते हैं तो शब्द चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उभरते हैं तो वो ह्रीम श्वेत वर्णा अर्थात व्हाइट कलर का होना चाहिए और जो माला है वो भी व्हाइट कलर की होनी चाहिए इस प्रकार से यदि सवा लाख जाप किए जाते हैं तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है साथियों इसी प्रकार से यदि लाल, अर्थात तो रक्त वर्ण में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति विशेष को वशीकरण करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि किसी सद उद्देश्य के लिए वो आपकी बात मान ले आपके प्रभाव में आ जाए जैसा आप चाहे वैसा वो आचरण करें तो ये सारी चीजें आसन वस्त्र माला और ध्यान सवा लाख रीम जो आप करते समय लाल अर्थात तो रक्त वर्ण के होने चाहिए यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं बड़ा पद चाहते हैं धन संपत्ति संपदा चाहते हैं तो ये सारी चीजें आसन आपके वस्त्र माला ये पीले वर्ण की होनी चाहिए क्योंकि पीले वर्ण को समृद्धि का प्रतीक माना गया पीले वर्ण में जब आप इसका सवाल आख जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अद्भुत आशीर्वाद आपको समृद्धि के रूप में देता है और अंत में जब आप शत्रु बाधा के निमित्त या किसी वाद विवाद में विजय के निमित्त कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय के निमित्त किसी शत्रु को परास्त करने के निमित्त करना चाहते हैं तो फिर काले या फिर नीले रंग का प्रयोग होता है उसमें आपका जो फिर आसन हो चाहे आपके वस्त्र हो या आपकी माला जो हो वो सब का सब इस रीम साधना में काले रंग का होता है और इस प्रकार से जब रीम मंत्र की साधना की जाती है सवा लाख जाप जब इसके किए जाते हैं इसमें यंत्र भी शामिल हो जाता है मंत्र भी शामिल हो जाता है तंत्र भी शामिल हो जाता है और स्वतंत्र मतलब आपका स्वयं का तंत्र स्वतंत्र का निर्माण होता है यह आपके स्व के तंत्र को निर्मित करने की साधना है रीम साधना और चूंकि इसमें केवल अभी आज हमने बेसिक बातें की है किस प्रकार से किस प्रक्रिया का इसका सामना और साजो सामान आपको चाहिए उसके विस्तार में थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत होती है कारण यह है कि जितनी भी साधनाएं हैं हमें प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बस किसी किताब में पढ़ लिया और उसको हम अप्लाई कर दें ऐसा नहीं हो सकता तंत्र के जितना भी साहित्य पुस्तकें हम देखते हैं उसमें सीधा सीधा बताया गया हम देखते हैं कि ये जो माला है इस माला से इस मंत्र का और ये जाप करना है और फिर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इसको समझना साथियों ठीक वैसा ही है कि एक कोई प्रयोग करने के लिए दिया गया है जो केमिस्ट्री में पीएचडी है उसके लिए तो उसको पैरियोडिक जो टेबल होती है सभी प्रकार के जो रसायन होते हैं उसका भली प्रकार उसको अंदाजा है उसने इलेवंथ ट्वेल्थ भी पढ़ी है उसने बीएससी भी की है उसने एमएससी भी की है उसने फिर पीएचडी की है तब जाकर के वो प्रयोगशाला में कार्य कर रहा है या अपने फील्ड में कार्य कर रहा है अब उसी चीढ़ चीज को पढ़ करके कोई केवल दसवीं तक जिसने केमिस्ट्री की के पढ़ाई की है वो यदि वही प्रयोग करेगा तो उसको निश्चित तौर पर सफलता नहीं मिलेगी वैसा ही तंत्र के प्रयोगों में होता है यदि आपने गुरु का सानिध्य नहीं लिया गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया सही प्रक्रिया को नहीं समझा तो फिर आप बाद में तंत्र को ही दोष देंगे कि मैंने तो इतना किया लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको पात्रता की सिद्धि करनी होती है गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है और जब वो आपको उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा देते हैं तब आप मंत्र जब सिद्ध करेंगे तो वो सिद्ध भी होगा और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार